हमीरपुर के ऐतिहासिक चोपड़ा मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र चोपड़ा मंदिर राठ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण महाभारत कालीन से माना जाता है। राठ नगर को महाभारत कालीन महाराजा विराट की राजधानी के रूप में माना जाता है। चोपड़ेश्वर महाराज का विशालकाय दिव्य मंदिर और शिवलिंग लाखों श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का केंद्र। पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित हमीरपुर के निर्देशन में पूरे जनपद में महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद सहित राजा विराट की नगरी राठ के ऐतिहासिक चोपड़ा मंदिर में भव्य तैयारियों के साथ सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मुस्तैदी से राठ पुलिस बल मौजूद, जहां चोपड़ा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बुंदेलखंड में हमीरपुर जनपद के राठ नगर का ऐतिहासिक चोपड़ा मंदिर की पहचान महाभारत काल से जोड़कर नगर को महाराजा विराट की राजधानी के नाम से जाना जाता है। नगर के चोपड़ेश्वर महाराज का विशालकाय दिव्य मंदिर और शिवलिंग लाखों श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि चोपड़ेश्वर धाम का मंदिर दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर मंदिर को आकर्षण ढंग से सजाया गया था और भगवान शिव और माता पार्वती के इस विवाह में दूर दूर से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बुजुर्गों के अनुसार मंदिर के पास एक बड़े चबूतरे के मध्य में पीपल का विशालकाय वृक्ष लगा है, जहां पांडव चौपड़ खेला करते थे। तभी से इस स्थान का नाम चोपड़ा पड़ा और भगवान शिव मंदिर को चोपड़ेश्वर महाराज कहा जाने लगा। आपको बता कि नगर राठ के हिंदू युवा संगठन की तरफ से चोपड़ा मंदिर में श्रद्धालुओं के जूते चप्पलों की देखरेख की निशुल्क व्यवस्था सहित श्रद्धालुओं के लिए बेलपत्र धतूरा फूल भांग की व्यवस्था की गई थी। बताते चले कि हर कोई अपने अपने ढंग से बाबा भोलेनाथ को खुश करने में लगे थे। कोई जलाभिषेक कर तो कोई रुद्राभिषेक कर बाबा को प्रसन्न कर रहे थे। मंदिरों और शिवालयों में हर हर महादेव और ओम नम शिवाय की गूंज सुनाई दे रही थी। सर, आज चोपड़ा मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर क्या तैयारियां हैं? सर, और शासन प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? सर, पूरा सहयोग मिल रहा है, शासन प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था है। सर, क्या नाम है आपका? राजी सत्यवाल। दादाजी, आज महाशिवरात्रि पर्व है, तो इसको किस तरीके से मनाया जा रहा है आज चोपड़ा मंदिर में? यहाँ प्रतिवर्ष की बात, इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ साधु मतलब यहाँ दो बरातें भी आती हैं और यहाँ जलाभिषेक होता है और रात्रि में 12 बजे तक जहाँ की जो शक्ति है शंकर जी की, उसको आरती दर्शन करने के लिए आते हैं। तो रात्रि में और क्या क्या प्रोग्राम? रात्रि में केवल दर्शन, झांकी का दर्शन है। और सुरक्षा की दृष्टि से शासन प्रशासन की तरफ से क्या है? पूरा सहयोग कर रहा है, पुलिस व्यवस्था चुस्त है और कल SDM साहब, CO साहब और कोतवाल साहब आए थे माना करने के लिए, बराबर को देख रहे हैं। इसका और क्या इतिहास रहा है चोपड़ा मंदिर का? सर, बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर खाकी बाबा नाम के एक संत थे, वो पहुँचे को सिद्ध थे। एक बार यहाँ हजारों वर्ष पहले में यहाँ पर यज्ञ हुआ, उसमें घी की कमी पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि चोपड़ा से आप जितना घी निकालना चाहें निकाल लीजिए और बाद में उतना छवा दीजिए। तो भंडारे में उतना घी लिया, उसके बाद तो छवा दिया गया। बहुत सिद्ध स्थान है यहाँ जी। आपका नाम और आप किस पद पे हैं यहाँ पे चोपड़ा मंदिर में? मैं पुरुषोत्तम मनोलिया प्रबंधक हूँ चोपड़ा मंदिर समिति का। यह रजिस्ट्रार समिति है जिसमें 11 सदस्य हैं, पदाधिकारी सहित और सन 66 संसद से रजिस्टर्ड। थैंक यू, धन्यवाद। यह राजा विराट की नगरी है और राजा विराट की पुत्री उत्तरानंद है। ये जो एक चोपड़ा मंदिर है, यह हमारे यहाँ का एक तीर्थ स्थान है। इसको ऐसा माना जाता है और आज शिवरात्रि के दिन यहाँ पर लाखों भक्त श्रद्धालु
यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं और आज के दिन रात में इस शिवरात्रि को त्यौहार की तरह मनाया जाता है जैसे आप चारों तरफ देख रहे होंगे और नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं है जो कि आज यहाँ नहीं है। तो क्या तैयारियाँ हैं इस समय? पुलिस प्रशासन की तरफ से केवल चारों तरफ करना है, चारों तरफ इनके पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, जो मंदिर समिति है वह भी बहुत अच्छे कार्य कर रही है। इसके बाद हिंदू युवा संघ जो हम जैसे सभी युवाओं का संगठन है, आज के दिन हम लोग जूता चप्पल जो कि आज सबसे ज़्यादा खोते हैं उसकी देखिए आप चारों तरफ व्यवस्था चल रही है। जो भावक जो बाबा को धान पसंद है ठंडाई इसकी व्यवस्था भी है, जिसको शीतल जल चाहिए शीतल जल की व्यवस्था है। और मेन चीज सबसे आगे एक सुरक्षा, जब माँ बहन अपने घर से आती है उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे कम से कम 100-150 हिंदू युवा संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उनके साथ में पुलिस भी।